अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य प्रेस क्लब की ओर से महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आज राज्य प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित समारोह में कुल 60 महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री बलवीर दत्त उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संपादक हरि नारायण सिंह, अनुज सिन्हा और प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह सहित अन्य मौजूद थे। आज रांची प्रेस क्लब की सदस्य प्रियंका मिश्रा ने कहा कि रांची प्रेस क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहली बार महिला पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं को पत्रकारिता में योगदान के लिए तेजस्विनी सम्मान 2020 दिया गया। कतर एक बड़ा मौका होता है जर्नलिस्ट के लिए, खासकर के महिलाओं के लिए, जब उन्हें सम्मान मिलता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर इसलिए भी खास हो चुका है क्योंकि आज जो महिलाएं हैं वो अर्थ से लेकर फर्श तक नजर आ रही हैं। महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं और इस खास मौके को अगर सम्मानित किया जाए, उन्हें याद किया जाए तो सचमुच में ये बेहद खास होता है। कितना कठिनाइयां हैं दर्शकों तक पहुंचाती हैं और उस पर कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितने तरासने के बाद वो स्क्रीन पे वो नजर आता है आपकी भूमिका, आपके मेहनत को आपकी स्क्रीन पर पहुँचा? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फील्ड में कठिनाइयां नहीं, फील्ड में भी कठिनाइयां हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं आज इतनी पावरफुल हो चुकी हैं, इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि फील्ड में जाने के बाद भी अपनी सारी ताकतों को लगाती हैं और उसके बाद खबरों को निकालती हैं। खबरों को निकालने के बाद फिर स्क्रीन पर आकर वो अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो देती हैं और आज के दिन को खास बनाती हैं। बहुत बदले हैं हम, पहले कठिनाइयाँ ज़रूर होती थी। सबसे पहले तो आपको घर से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि इस फील्ड में क्यों जा रही हो, लड़कों के साथ बाहर फील्ड में रहना, दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा समाज के लोग रोकते थे पहले। लेकिन अब माहौल बदला है, अब तो लड़कियाँ आराम से जर्नलिज्म कर रही हैं, पढ़ रही हैं और इस फील्ड में हैं और खासकर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी अंदर भी चर्चा हो रही थी कि अखबारों में महिलाओं की संख्या अभी भी कम है, रिपोर्टिंग में अभी भी कम है, तो महिलाओं को और आगे आना चाहिए। दबाव बहुत होता है समाज का, ऑफिस में भी लोगों की सोच यही होती है कि महिलाएं हैं नहीं कर पाएंगी, इन्हें सॉफ्ट बीट में भेजो या वुमेंस बीट में भेजो, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और महिलाएं सब कुछ साबित करके दिखा रही हैं। आयोजन किया गया बिल्कुल सही था, लेकिन इस मौके पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी समाज से भी, राष्ट्र से भी, कि महिला सशक्तिकरण पर हम शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत में भी उन शब्दों के स्वरूप को उतरना होगा। हम महिला पत्रकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक गृहिणी को समान मौका देना चाहते हैं, तो हमें ये माहौल बदलना होगा, ये परिवेश बदलना होगा और अपने चिंतन मनन और व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात कह सकते हैं। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।